आज की इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कि मोटरसाइकिल का इंजन कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि किक से कैसे स्टार्ट होता है और सेल्फ से कैसे स्टार्ट होता है। तो जैसा कि आपके डिस्प्ले पर इंजन चल रहा है, चलिए देखते हैं कि किक से कैसे स्टार्ट होता है। जैसा कि देख सकते हैं, यह किक का लीवर है जिसे हम लोग पैर से स्टार्ट करते हैं और जैसे ही इसको आप दबाते हैं, इस तरह जैसे ही आप घुमाकर इसको दबाते हैं तो ये वाल्व जो इसका है वो इधर खींच लेता है, जिस पे कि आखिर ये इंजन में लग जाता है, जिसकी इंजन को रोटेट कराता है। और जो इसके जैसे इसको छोड़ देते हैं तो इसका जो रोटेट कराने वाला है वो पीछे हट जाता है। ये तो रहा, या बाकी ये क्लच हब यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। ये तो आप देख लेते हैं कि सेल्फ से कैसे स्टार्ट होता है। तो सेल्फ से काफ़ी आसानी तरह से स्टार्ट होता है। वो जैसे हम सेल्फ में पावर देते हैं स्विच के द्वारा, तो वो एक दूसरे गाड़ी को रोटेट कराता है और वो जो है डायरेक्ट इंजन का जो वाल्व वाला चेन है, टाइमिंग चेन, उसको नचाता है। और यहाँ पे उसका सिस्टम है, एक तरह से क्लच प्लेट यहाँ भी लगा हुआ है सेल्फ स्टार्ट करने के लिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें छोटा छोटा रोटेटर है जो कि रिवर्स साइड आप लोगों को इंजन को रोटेट, सॉरी, जो सिस्टम है उसको रोटेट कराता है, लेकिन जैसे ही इंजन स्टार्ट हो जाता है तो उसको रोटेट कराना बंद कर देता है, जिसके कारण सेल्फ काम करता है। वैसे सेल्फ भी देखा जाए तो सेल्फ में भी काफ़ी फंक्शन है, तभी ये सेल्फ स्टार्ट कर पाता है इंजन को। आज की इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि बाइक स्टार्ट करते हो तो बाकी चीज़ के भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन दूसरे वीडियो में मेरा पहला वीडियो है, इसलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता है, तब तक के लिए।